आज हम लोग इस क्लास में यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। कितना सिलेबस है, हमको कितना पढ़ना है, थोड़ी सी हम सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं। तो फिजिक्स 100 मार्क्स का आता है, इसमें से 70 मार्क्स की थ्योरी होती है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो यूपी बोर्ड सिलेबस में देखते हैं कि 70 मार्क्स में क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यूपी बोर्ड फिजिक्स सिलेबस ये देखते हैं। तो आप एक बार ब्रीफ आउटलाइन में जान लें कि इसमें 9 सेक्शन है और हर एक सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है ये भी डिसाइडेड है, और किस सेक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये भी डिसाइड है। तो स्टार्ट करते हैं, हमने इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन वन, अब इस सेक्शन में 5 यूनिट है, हर एक यूनिट का मार्क्स असाइन है। तो यूनिट वन का नाम है स्थिर विद्युत की या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये 8 मार्क्स का आएगा। स्थिर विद्युत की, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, ये 8 मार्क्स का है। मतलब इस टॉपिक से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा है धारा विद्युत या करेंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यूनिट टू है धारा विद्युत, इसको अंग्रेजी में करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और ये 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, 7 मार्क्स का। और यूनिट 3 धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, और इसे अंग्रेजी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं, और इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से 3 यूनिट हो गई, सेक्शन वन में 3 यूनिट हो गई, और चौथी यूनिट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, यूनिट 4 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और यूनिट 5 है विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये 4 मार्क्स का है, ये सेक्शन कुल 35 मार्क्स का है। तो आप देख लीजिए 8, 7, 15 और 8, 23, 4, 27, तो ये भी 8 मार्क्स का होगा। इस तरह से एक सेक्शन में 5 यूनिट हैं और हर यूनिट के मार्क इस तरह से डिसाइडेड हैं किससे कितना मार्क्स का एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ये जो सिलेबस हम लोग लिख रहे हैं वो थ्योरी का सिलेबस है। और अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 में, इसको इरेज कर देते हैं और सेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 2 भी 35 मार्क्स का है और इसमें केवल 4 यूनिट है, इसको हम चेंज कर देते हैं। ये हमारा सेक्शन 2 है, 5 यूनिट इसमें हुई है, तो यूनिट 6 प्रकाशिकी या लाइट। ऑप्टिक्स, और ये एक बड़ा पार्ट है तो ये 13 मार्क्स का है, ये 13 मार्क्स का है। अब यूनिट 7, तो यूनिट 7 द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्रव्य और द्वैत प्रकृति, इसको अंग्रेजी में मैटर एंड ड्यूअल नेचर। तो ये छोटा पोर्शन है इसलिए इसके मार्क्स भी कम है, 6 मार्क्स का है। यूनिट 8, परमाणु एवं नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई, ये 8 मार्क्स का है। और यूनिट 9 और अंतिम यूनिट, इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां कहते हैं, भी 8 मार्क्स का है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये भी 8 मार्क्स का है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख लीजिए 13 और 6 19 एंड 8 27 एंड 8 35, इस तरह से ये कुल 70 मार्क्स का हो गया थियरी। और इस 70 मार्क्स में आपको 23 मार्क्स पाने होते हैं पास होने के लिए, ये थियोरी का पोर्शन है। और इसी तरह से प्रैक्टिकल के पोर्शन में 30 मार्क्स है, इसमें आपको पास होने के लिए 30 मार्क्स चाहिए। कुल मिला के ये 33 मार्क्स इसका पास मार्क्स है ओवरऑल 100 में। तो अब आइए हम लोग यूनिट 1 पर विचार करते हैं और 1 बाय 1 एक एक हेडिंग स्टडी करते हैं। तो सेक्शन 1 और यूनिट 1 है, स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत की क्या है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम आवेश के विद्युत गुणों का अध्ययन करते हैं या विद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत की कहते हैं। तो विद्युत की क्या है पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं।
भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम आवेश के विद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ये क्या है? भौतिकी की शाखा है जिसमें आवेश के विद्युत प्रभावों का अध्ययन होता है। अब विद्युतकी में अगर स्थिर आवेश के विद्युत गुणों का अध्ययन करते हैं तो उसे स्थिर विद्युतकी। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। विद्युतकी को दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट स्थिर आवेश के विद्युत गुणों का अध्ययन, स्थिर आवेश के विद्युत प्रभावों का अध्ययन। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की जो हमारा टॉपिक है। इसका मतलब हम इस टॉपिक में स्थिर आवेश के विद्युत प्रभावों का अध्ययन करेंगे। अगर हम गतिमान आवेश के विद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो उसको धारा विद्युत कहते हैं। तो दूसरा हमारा इसी में डेफिनेशन बन जाएगी, गतिमान आवेश के विद्युत प्रभावों का अध्ययन। ये क्या कहलाएगा? इसको धारा विद्युत कहेंगे, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो आइए हम स्थिर विद्युत की पहली हेडिंग स्टडी करते हैं जिसे हम आवेश कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आवेश, थोड़ी सी हिस्ट्री में भी चलेंगे कि आवेश एक्चुअल में है क्या। आप इसको चार्ज कहते हैं। तो थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में चलते हैं, 600 BC में, या आप ये कह सकते हैं आज के करीब 2600 साल पहले, एक यूनानी दार्शनिक का वर्णन आता है जिसे हम थेल्स नाम से बोलते हैं। इन्होंने पाया कि अंबर नामक पदार्थ को जब फर से रगड़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं जैसे बाल, तिनका इत्यादि को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ आप नहीं जानते हैं, आप भी शायद किए होंगे। कंघी को सूखे बाल में जब आप रगड़ते हैं तो कंघी भी कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहते हैं कि जिन वस्तुओं में ये गुण उत्पन्न हुआ वो इलेक्ट्रीफाई हो गई, माने उनमें विद्युत गुण उत्पन्न हो गया, वे आवेशित हो गई हैं। ऐसा हम बोलते हैं कि जिनमें ऐसा हुआ है वो वस्तुएं आवेशित हो गई हैं। तो आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है। जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बेसिकली आवेश दो तरह के होते हैं, एक को आप धनावेश कहते हैं और एक को ऋणावेश कहते हैं। ऐसा नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के, पहला धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा
रिडावेश। ये नामकरण किसने किया है? नाम रखा किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हम लोग एक और भी चीज देखेंगे, जैसे प्रयोगों से देखा गया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जबकि विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कहने का यह हुआ, जैसे मैंने कंघी को बाल से अगर रगड़ा है, ऐसे दो कंघी ले लीजिए और दोनों को एक दूसरे के पास ले आइए, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। कहने का मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, परंतु विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे कोई वस्तु धनावेशित हो जाती है और कैसे कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ेंगे। आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। सभी लोग जानते हैं कि कोई भी परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो अगर मैं एक परमाणु बना देता हूं, परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर नाभिक है, तो नाभिक में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। परिमाण में जितना किसी एक प्रोटॉन पर धनावेश होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। दोनों के परिमाण बराबर होते हैं। कहने का मतलब सामान्य स्थिति में अगर किसी परमाणु की मैं बात करता हूं, तो जितने धन अंदर हैं उतना ऋण बाहर है, तो मिलके कुल क्या हुआ? जीरो। मतलब परमाणु उदासीन है। अब हम क्या करते हैं कि किसी तरह से परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन को या तो निकालते हैं या तो उसमें जोड़ते हैं। तो अभी देखिए, जितना इसमें है उतना ही बाहर है। अब हम कुछ कम ज़्यादा करते हैं। सपोज कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया या दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ऋण की कमी हो गई। अभी दोनों बराबर बराबर थे, अब क्या हुआ? ऋण की कमी हो गई। तो ऋण की कमी हो गई तो नेट आवेश इसमें क्या हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं धनावेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्प्लाइज पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी इंप्लाइज धनावेशन, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं कहीं बाहर से इसमें लाके इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं, तो अब इसमें ऋण ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियसली जो परमाणु होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इसका मतलब ऋणावेशन हो गया। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता इसका मतलब वो वस्तु ऋणावेशित है। कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब वो वस्तु धनावेशित है। तो आवेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है।
प्रोटॉन नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस से बंधा होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बंधा होता है और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्रांसफर हमेशा बाहर की कक्षा से ही संभव है। इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे तो निकल सकते हैं, अगर टाइटली बाउंड होंगे तो हो सकता है कि कोई सी और से ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि आकर्षित कर लें, इसमें संख्या बढ़ जाए। अगर लूज बाउंड होंगे टूटने के चांस ज़्यादा रहेंगे, अगर टाइट बाउंड होंगे तो टूटने के चांस कम रहेंगे, ऐड होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही आवेशन के लिए जिम्मेदार है, मतलब धनावेश और ऋणावेश होने का मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन उसमें से या तो निकल गया है या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। अब आवेशन की विधियां क्या है, कैसे आवेशित करते हैं, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, तो तीन विधियां हैं। पहला घर्षण, द्वारा, तो बाई फ्रिक्शन। अब घर्षण द्वारा का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये दूसरा वाला हाथ है, अब अगर हमने इन दोनों को आपस में रगड़ा तो क्या हो सकता है, जिसके इलेक्ट्रॉन लूज बाउंड होंगे, मतलब उसमें जो आकर्षण बल है वो कम होगा, उनके टूटने के चांस ज़्यादा होंगे और दूसरे में जाने के चांस ज़्यादा होंगे। तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब जैसे ये एक वस्तु है दूसरी वस्तु है, तो इसमें से इसमें जा सकता है या इसमें से इसमें जा सकता है, तो घर्षण की वजह से वस्तुएँ आवेशित हो जाती हैं। तो लेकिन घर्षण द्वारा आवेशन विद्युत रोधी पदार्थों में ही होता है, विद्युत रोधी पदार्थों में बेसिकली इस तरह से ज़्यादा होता है, विद्युत रोधी पदार्थ में घर्षण द्वारा आवेशन मुख्यतः होता है। अब एक उदाहरण घर्षण द्वारा आवेशन, तड़ित ताप सभी लोगों ने देखा होगा, जब बारिश होती है तो बिजली चमकती है, तो तड़ित इसी का एक एग्जाम्पल है। कभी कभी हम लोग लोहे के गेट को छूते हैं लगता है जैसे झटका मार दिया, तो वो भी घर्षण द्वारा आवेशन का उदाहरण है। और दूसरा है चालन द्वारा, चालन द्वारा मतलब बाई कंडक्शन। तो चालन द्वारा जैसा कि नामित बता रहा है कि इसमें केवल चालकों में मुख्यतः इस तरह की आवेशन हो सकता है, एक आवेशित वस्तु है, सपोज धनावेश है, आप ले आए, किसी चालक में आपने स्पर्श करा दिया, ये है, ये विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा हुआ है, ये चालक गोला है, अब क्या किया आपने इसको स्पर्श करा दिया, तो जब आप इससे स्पर्श कराएंगे तो इसका जो धनावेश है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और ये इसमें वितरित हो जाएगा। इस तरह से ये वस्तु इसके संपर्क में आने की वजह से आवेशित हो गई, लेकिन इस तरह का आवेशन केवल चालकों में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आसानी से आवेश का प्रवाह संभव है। और तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा, बाई इंडक्शन। अब बाई इंडक्शन का मतलब होता है बिना स्पर्श कराए, तो बिना स्पर्श कराए मतलब मेरे पास एक गोला है, चालक गोला है और ये एक विद्युत रोधी स्टैंड है, ये मैं एक कांच की छड़ लेता हूँ और इस कांच की छड़ को मैं धनावेशित करके ले आ रहा हूँ इसके पास, तो आप देखिए इस ये धनावेशित है, तो आप जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये क्या करेगा, जो नियर बाई पॉजिटिव चार्जेज होंगे उसको रिपेल करेगा, तो नेट निगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, और जो नेट पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अगर हम इसको हटा लेंगे तो ये फिर से जैसे था उदासीन हो जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको अब इस समय अर्थिंग कर दूं, मतलब पृथ्वी से जोड़ दूं,
तो सोचिए क्या होगा, ये जो धनावेश है ये इस तार के द्वारा पृथ्वी में चला जाएगा, परंतु ऋणावेश नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋणावेश पर ये धनावेश आकर्षण लगा रहा है। अब अगर मैं इसको हटा लूं तो अब ये जो पूरी वस्तु है वो ऋणावेशित होगी। क्यों? क्योंकि सारे धनावेश क्या हो गए, पृथ्वी में चले गए, केवल ऋणावेश थे। अब जब इसको हटाएंगे तो ये फिर रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और रिडिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये जो चालक होगा ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई वस्तु धनावेशित है, कोई वस्तु आवेशित है, कैसे पहचानेंगे? तो चलो पहचानते हैं कि कोई वस्तु में आवेश है, इसको कैसे टेस्ट किया जाएगा। तो नोट में मैं इसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से आवेशित वस्तु को पहचानते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, की सहायता से आवेशित, इसे विद्युत दर्शी बोलते हैं, विद्युत दर्शी की सहायता से आवेशित वस्तु की पहचान करते हैं। कैसे? बीप में जानते हैं एक चैम्बर है और ये इंसुलेटर है, कुचालक है, इसमें एक चालक इस तरह से लगा हुआ है, ये दो पत्तियां हैं, ये क्या है, ये चालक पत्तियां हैं। ये पत्तियां कैसी हैं? चालक हैं, ठीक है। तो अब हम ले आते हैं एक आवेशित वस्तु को, तो दो तरीका हो सकता है, हम आवेशित वस्तु को ले आते हैं, इसमें स्पर्श करा दें, इस चालक छड़ में स्पर्श कराएंगे तो आप देखिए जैसे धन है तो पूरा धन चला जाएगा, और अगर स्पर्श नहीं कराते हैं तो धन है तो इस पर ऋण जनरेट हो जाएगा, मतलब इस पर इंडक्शन की वजह से आवेश जनरेट होगा। तो सपोज ले आते हैं हम एक धनावेशित वस्तु को, इसे टच करा देते हैं, ये धनावेश है, इसे टच करा दिया तो इस पर पूरा धनावेश हो जाएगा। तो यहाँ भी धनावेश, यहाँ भी धनावेश, यहाँ भी, हर तरफ हर जगह धनावेश समान रूप से वितरित हो गया। अब आप जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसका मतलब ये पत्ती फैल गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियाँ अगर फैलती हैं तो इसका मतलब है कि जिस वस्तु को मैंने संपर्क में लाया है वो वस्तु आवेशित है। ये इसकी मुख्यतः पहचान है। और अब आवेश एक भौतिक राशि के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो आवेश भौतिक राशि, चार्ज और फिजिकल क्वांटिटी। तो आवेश अदिश व्युत्पन्न राशि है, अदिश व्युत्पन्न राशि है, और इसे हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, आवेश बराबर धारा गुड़े समय, समय को स्मॉल टी से लिख देते हैं, तो आवेश बराबर धारा गुड़े समय। क्यू की एसआई यूनिट क्या होगी? क्यू की एसआई यूनिट आप यहां से देख सकते हैं, धारा का एम्पियर होता है और समय का सेकंड, तो आप कह सकते हैं एम्पियर सेकंड। इसी को हम लोग कूलाम भी बोलते हैं। तो एम्पियर सेकंड, इसको क्या कहेंगे? कूलाम। कूलाम का प्रतीक क्या है? कैपिटल सी।
एम्पियर का कैपिटल है, सेकंड के लिए स्मॉल एस इस्तेमाल करते हैं, तो एम्पियर सेकंड या कुलाम। इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, जरा सीजीएस यूनिट भी देख लेते हैं। सीजीएस यूनिट केवल कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जामिनेशंस में, या कभी कभी जीएस टाइप के एग्जामिनेशंस में पूछता है, कुछ यूनिट्स दे देता है, पूछता है किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो कुलाम तो काफ़ी प्रचलित है, लेकिन सीजीएस यूनिट्स में स्टैट कुलाम, स्टैट कुलाम, फ्रैंकलिन या ESU, ये भी इनकी यूनिट्स है। फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर है, तो याद रखें फ्रैंकलिन, स्टैट कुलाम और ESU सेम यूनिट्स हैं। तो ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और अन्य प्रचलित मात्रक, अन्य ये भी इम्पॉर्टेंट है, अन्य प्रचलित मात्रक फैराडे, फैराडे, ये फैराडे के नाम पर है, इसको हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। या एक और भी है जो कॉमर्शियल यूनिट है, एम्पियर घंटा, एम्पियर बाजारों में ज़्यादा प्रचलित है, एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर, कभी आप इन्वर्टर की बैटरी खरीदने जाते हैं तो पूछता है कि कितना आपको, 150 एम्पियर आवर की चाहिए बैटरी की, 180 एम्पियर आवर की चाहिए, तो एम्पियर आवर भी आवेश का मात्रक है, फैराडे भी आवेश का मात्रक है। तो क्यू की, क्यू का विमीय सूत्र क्या होगा, आवेश का विमीय सूत्र आई मतलब ए, समय मतलब टी, इसको ए टी लिखेंगे, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, ए टी। अब आवेश के गुण क्या है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण, तो पहली चीज तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के, पहला धनावेश आप पहले ही पढ़ चुके हैं, और दूसरा ऋणावेश। और आप जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दूसरा इसका गुण है, आवेश स्थानांतरण से द्रव्यमान परिवर्तित होता है, आवेश स्थानांतरण से द्रव्यमान परिवर्तित होता है। कैसे, जैसे किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जितना भी द्रव्यमान होगा उतना कम हो जाएगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से इलेक्ट्रॉन का जितना भी द्रव्यमान होगा उतना द्रव्यमान इसमें बढ़ जाएगा। इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकला मतलब धनावेशित, तो धनावेशन से द्रव्यमान घटता है और ऋणावेशन से द्रव्यमान बढ़ता है। तीसरी चीज प्रतिकर्षण, आवेशन का प्रमाण है, इसे दो वस्तुएं दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि क्या दोनों आवेशित हैं, तो अगर प्रतिकर्षित होता है तो 100% दोनों आवेशित हैं, लेकिन अगर प्रतिकर्षण नहीं हुआ तो दो स्थिति हो सकती है,
एक तो एक वस्तु धनावेशित और एक दूसरी ऋणावेशित होगी तो भी आकर्षण होगा, और एक वस्तु अगर धनावेशित या ऋणावेशित कुछ भी हो और दूसरी उदासीन हो तब भी प्रेरण के कारण उसमें आकर्षण होता है। तो अगर आकर्षण होता है तो कन्फर्म नहीं कर सकते कि दोनों आवेशित हैं, केवल प्रतिकर्षण ही आवेशन का प्रमाण है। अगर प्रतिकर्षण हुआ तो एकदम कन्फर्म है कि दोनों वस्तुएं आवेशित हैं। चौथी चीज, आवेश योज्यता नियम का पालन करता है, मतलब इसमें बीजगणितीय योग के नियम का अनुसरण होता है। ये क्या करता है? ये बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, बीजगणितीय योग के नियम का पालन। कहने का मतलब अगर कहीं पे प्लस ई आवेश है, कहीं पे माइनस टू ई आवेश है, कहीं पे माइनस थ्री ई आवेश है, तो इन सबको ऐसे आप जोड़ेंगे चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ जोड़ लेंगे, देखिए कितना हुआ, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस पाँच, और ये हो जाएगा माइनस फोर ई, इस तरह का। और पांचवी चीज, आवेश प्रेक्षक के सापेक्ष वेग पर निर्भर नहीं करता। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी आवेशित वस्तु है उसका वेग ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो इससे उसके ऊपर आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और छठी चीज़ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आवेश संरक्षण नियम। ये संरक्षण नियम का पालन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बार देखते हैं कि क्या है, किसी विलगित वस्तु का नेट आवेश सदैव अपरिवर्तित रहता है, मतलब किसी विलगित वस्तु का जो नेट आवेश है उस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं विलगित वस्तु का नेट आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। विलगित वस्तु का नेट आवेश सदैव संरक्षित होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि नेट आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। एक उदाहरण से मैं इसे समझाता हूं आपको। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है, और हम इसके समीप में एक पॉजिट्रॉन ले आते हैं ई प्लस, ये पॉजिट्रॉन है, तो जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो नष्ट हो जाते हैं और दो गामा फोटॉन उत्पन्न होता है। अब देखिए दो गामा फोटॉन अगर उत्पन्न हुआ तो देखते हैं कि अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया से पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात आवेश क्या वही है? अगर है तो इसका मतलब सही है। तो अभिक्रिया से पूर्व देखिए इस पे माइनस चार्ज है और उतना ही प्लस चार्ज इस पर है, तो नेट चार्ज कितना हुआ? जीरो। और गामा फोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है तो उस तरफ नेट चार्ज जीरो है ही। इसका मतलब अभिक्रिया के पश्चात नेट चार्ज क्या है? जीरो। अभिक्रिया से पूर्व क्या है नेट चार्ज? जीरो है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो करेक्टर है आवेश का, वो आवेश क्वांटीकृत होता है, मतलब आवेश क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर
किसी वस्तु पर आवेश का मान स्मॉल ए, ये क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का पूर्ण गुणज होता है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। एन क्या है, एक संख्या है, एन बराबर हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब आप प्लस ई प्लस टू ई प्लस थ्री इस तरह का ट्रांसफर भी हो सकता है, ऐसे नहीं 1.5 ही ट्रांसफर हो जाए। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप एक एटीएम मशीन के पास जाते हैं और एटीएम मशीन में लिखा रहता है 100 के मल्टीपल में आप पैसा डालिए तो मशीन से पैसा निकलेगा आपको, तो इसका मतलब 100, 200, 300, 400 ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 150 डाला तो एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकलेगा, इसका मतलब वो उसका मिनिमम क्वांटम मतलब मिनिमम वैल्यू जो वो निकाल सकता है वो कितना है 100 रुपीज़। उसी तरह से किसी भी वस्तु पर जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है आवेश की वो स्मॉल ई हो सकती है या स्मॉल ई का पूर्ण गुणज हो सकती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, ये बोर्ड का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं कि एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम लोग फिर से यही आवेश की क्वांटम प्रकृति का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है, साइन हटा देते हैं हम इसका, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं क्योंकि संख्या में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो E का मान आप जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, यहाँ पर Q की वैल्यू दिया है 1 कूलाम। तो उपरोक्त समीकरण से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यानी इक्वल टू आ जाएगा Q बाई E। तो 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹ इसको आप सॉल्व करके देखिएगा 6.25 × 10⁻¹⁸। बहुत बड़ी संख्या है, मतलब 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन कहीं एक्युमुलेट होंगे तब जाके 1 कूलाम चार्ज हो पाएगा। और आज इस वीडियो के एकदम लास्ट में हम देखते हैं कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ आवेश लिखते हैं और एक तरफ द्रव्यमान लिखते हैं और देखें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आवेश और द्रव्यमान की तुलना करते हैं, तो जब हम तुलना करते हैं तो देखते हैं, तुलना करते हैं तो समानता और विषमता दोनों देखते हैं हम लोग। तो एक तरफ आवेश बनाते हैं और एक तरफ द्रव्यमान बनाते हैं। तो पहली चीज, ये व्युत्पन्न राशि है, पहला डिफरेंस क्या है, ये व्युत्पन्न राशि है मतलब ये डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये मूल राशि है। दूसरी चीज, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, कौन कौन से, पॉजिटिव और निगेटिव। द्रव्यमान एक प्रकार का होता है,
तो अगर ये दो प्रकार के होंगे तो इसमें प्रतिकर्षण भी होगा और आकर्षण भी होगा। यहाँ सिर्फ द्रव्यमानों में आकर्षण होता है। तीसरा, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता, जबकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। वेग पर निर्भर, और किस सूत्र से? आप ये कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू m जीरो अपान अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, m जीरो क्या है? विराम द्रव्यमान है। जब स्थिर है उस वक्त द्रव्यमान है, और कैपिटल M क्या है? द्रव्यमान है। V वेग है और C प्रकाश की चाल है, C प्रकाश की चाल है। और चौथी चीज कि द्रव्यमान सॉरी वेग आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षित होता है, सभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में E बराबर MC स्क्वायर से बदला जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। किस सूत्र से? E बराबर MC स्क्वायर से। तो E बराबर MC स्क्वायर से आप द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं द्रव्यमान तो संरक्षित नहीं है, परंतु द्रव्यमान प्लस ऊर्जा संरक्षित होगी। इसे ही रेज कर देते हैं। तो अगला पॉइंट है कि आवेश क्वांटीकृत है और क्वांटम ज्ञात भी है। क्वांटम ज्ञात है, क्वांटम ज्ञात है मीन्स आवेश की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज स्मॉल e, स्मॉल e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, ये ज्ञात है। द्रव्यमान क्वांटीकृत तो है, क्वांटीकृत है, परंतु क्वांटम ज्ञात नहीं है। अभी इसका क्वांटम हमें ज्ञात नहीं है। और एट लास्ट बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है, बिना नेट आवेश के, बिना नेट आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, परंतु बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। अब इसको इस तरह समझिए कि किसी वस्तु पर नेट आवेश जीरो भी हो सकता है, मतलब द्रव्यमान है परंतु आवेश नहीं है, मतलब नेट आवेश जीरो हो द्रव्यमान होगा, लेकिन अगर द्रव्यमान नहीं है तो बिल्कुल आवेश नहीं हो सकता है।
स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमारी स्टाइल आपको समझ में आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे अन्य स्टूडेंट्स को भी इससे बेनिफिट हो। धन्यवाद।